हेलो दोस्तों, कैसे आप? और स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने एक डिलीट होने से कैसे चैनल बचा लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपका भी यहाँ पे, मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत ही सारे यहाँ पे जो स्मॉल क्रिएटर्स, यहाँ पे कुछ थोड़े से बड़े क्रिएटर्स यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों, मैं यूट्यूब में यहाँ पे यूट्यूब अपडेट्स यहाँ पे कुछ वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैंने यहाँ पे जो संडे में लाइव स्ट्रीम की थी, यहाँ पे जो मैंने कई चैनल्स चेक किए थे, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे मैसेज आया था कि मेरे इंस्टाग्राम पर कि मेरा यहाँ पे ब्रो एक चैनल चेक करो कि मैंने अभी मोनेटाइज के लिए भेजना है। तो जो एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, जो एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनके यहाँ पे 3,000 से ऊपर सब्सक्राइबर थे। तो यहाँ पे और उनका जो वॉच टाइम था 4200, यहाँ पे 4200-4300 था कुछ। और वो कह रहे थे कि आप मेरे चैनल चेक कर लो कि यहाँ पे मेरे चैनल में कोई गड़बड़ी तो नहीं, कुछ यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं कि यूट्यूब मेरा चैनल डिमोनेटाइज कर दिए रिव्यू में, यहाँ पे जब चला जाए तो यहाँ पे वो रिव्यू में ना जाए, कुछ कॉपीराइट आ जाए, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए वो मुझे कहने लगा कि यहाँ पे मेरा चैनल चेक कर लीजिए। तो मैं उनका चैनल चेक करने लगा। दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर ने यहाँ कहा कि मेरा चैनल चेक करो, तो उन्होंने अपने चैनल का नेम भी बताया। तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे सब बता रहे थे अपने चैनल के बारे में। तो मैंने कहा मैं चेक कर लेता हूँ उनके चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने देखा कि जो यूट्यूब सबसे पहले देखता है कि आपकी जो सबसे पहले आपने कौन सी वीडियो अपलोड की थी, तो कौन सी वीडियो से सबसे पहले जो आपने अपलोड की है, तो आप किस कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हो, तो जो सबसे ज़्यादा व्यू आपके किस वीडियो पे आए हैं, क्या क्यों आया, कैसे आ गए। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी नज़र गई तो यहाँ पे गई कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यू मैंने कहा कि एक वीडियो में आए हैं, कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताया था, टेक्निकल चैनल है उसके, उन्होंने मुझे यहाँ पे चेक करने बताया था। तो कुछ यहाँ पे वो उन्होंने यहाँ पे थंबनेल तो ठीक था, वीडियो में आपको जो गड़बड़ी थी यहाँ पे जो वीडियो के बीच में थी, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो वो कुछ प्रॉब्लम जैसे कि फेस अपना दिखा के, तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी यहाँ पे बड़े यूट्यूबर्स की उन्होंने डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे मैं सब थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ, उनके 15 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, वो उनका भी टेक्निकल चैनल है। उनके यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने कॉपी करके अपने यहाँ पे जो उनमें डाल दी, यहाँ पे अपने यहाँ पे अपनी वीडियो में डाल दी, तो उसी में ही उनके सबसे ज़्यादा 60,000 व्यू आए हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप जल्दी से जल्दी वो वीडियो डिलीट कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यू तो उसमें उसमें ही है ज़्यादा, तो मैं वो वीडियो डिलीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा, क्योंकि यहाँ पे वो कल ही अपने चैनल मोनेटाइज के लिए भेजना चाहते थे। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आप उस वीडियो को प्राइवेट कर दो, तो आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो वो प्राइवेट करने के लिए भी यहाँ पे इच्छा नहीं, मैं दोस्त मैंने उनको कहा भी कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने क्या किया कि यहाँ पे उनको कहा कि आप वीडियो भी डिलीट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपका जो एक जहाँ पे जिसमें आपने वो पोर्शन यहाँ पे या कॉपी किया था वो आप डिलीट कर दो, तो अपनी यहाँ पे नई यहाँ पे वीडियो बना के वहाँ पे वो पोर्शन डाल दो। अभी मैंने कहा कि आप जो अभी चैनल मोनेटाइज ना करना, सबसे पहले वो वीडियो जो बीच में है तो वो डिलीट कर देना, वहीं से ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो एक ही वीडियो में उन्होंने गलती कर दी। दोस्तों, आप सबको पता है कि यहाँ पे जो यूट्यूब है बहुत बारीकी से सबके चैनल चेक कर रहा है कि यहाँ पे कितने, आप सबको पता है कि आप यूट्यूब में आप यहाँ पे अवेयर हो पूरा, कि आप सबको पता है कि यहाँ पे यूट्यूब कितने लोगों के चैनल डिलीट कर रहा है, रिव्यू यहाँ पे जो चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रहे। तो यूट्यूब को सब पता है कि सब जो भी यूट्यूबर्स हैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपने कहीं से व्यूज लाते हैं, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे कोई मोटिव नहीं है समझाने के लिए। तो ये सब मैंने ऐसे एक चैनल बचा लिया। तो दोस्तों, कई बार यूट्यूब ऐसा भी करता है कि चैनल डिलीट कर देता है, तो फिर आप सबको पता है कि कितने यहाँ पे जो हमारा पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं बचता फिर यहाँ पे। दोस्तों, तो आप भी ये वीडियो को ध्यान से सुन लिया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बता देना यहाँ पे। तो मैं संडे यहाँ पे जो यहाँ पे अभी लाइव स्ट्रीम आएगी यहाँ पे 3-4 दिन के बाद, फिर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। तो कोई भी अभी भी आपका कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो लाइव स्ट्रीम में भी हम मिलेंगे। तो दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।